नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। हाँ, मैं हूँ आपके साथ पूजा। नैनीताल जिले के ओखलकांडा ब्लॉक के छिड़ाखान रिठा साहिब मोटर मार्ग में शुक्रवार की सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां एक वाहन के खाई में गिरने से 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि वाहन में बैठे हुए लोग पास के ही गांव में पीपल पानी में शामिल होने जा रहे थे कि वाहन अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा, जिसमें 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनका उपचार चल रहा है। फिलहाल पुलिस का रेस्क्यू अभियान पूरा हो गया है और सभी शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराने की तैयारी चल रही है और प्रशासन भी इस पूरे घटनाक्रम में नजर बनाए हुए है। जब तक की सूचना मिली है उसके आधार पर थाना खंशु क्षेत्र में एक दुर्घटना हुई आज सुबह, जिसमें एक कार सवार जो कुछ सवारियां थी उनकी दुर्घटना हुई है। इसमें 11 लोग थे, 11 में से अब तक जो सूचना मिली है उसके हिसाब से 8 लोगों की डेथ हुई है। ऑन स्पॉट 6 लोगों की डेथ हुई थी, 2 की जो डेथ है वो शायद हॉस्पिटल के रास्ते में हुई है। तो जो बाकी 3 लोग हैं उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया है और रेस्क्यू जो है वो कंप्लीट हो गया। देखिए, इसमें जो घायल हैं उनसे बातचीत का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जो प्रारंभिक रूप से जो पता लगा है ये पास के किसी गांव में किसी पीपल पानी के प्रोग्राम में लोग जा रहे थे। जो अभी डालकनी में घटना घटी है तो इसका जिम्मेदार कौन है? इससे पहले कई घटना और घटी। देखिए, जो ये घटना घटी है बहुत दुखद घटना है। जो छिड़ाखान हमारा छिड़ाखान वाला ये मोटर मार्ग है, बहुत पहले से हमारी जो मांग रही है कि इस मोटर मार्ग में डामरीकरण हो, और लगातार हमने कई आंदोलन भी किए सड़कों में, कई सोशल मीडिया से लेकर और हमने सड़कों पे आंदोलन भी किए, लेकिन यहाँ पे जो इस प्रकार घटनाएं हो रही हैं, सबसे पहले वहाँ पे लगर पे एक कोरा पे एक घटना हुई, वहाँ पे हमारी 5 कैजुअल्टी वहाँ पे भी हुई थी। उसके बाद हमने यहाँ के जो हमारे जनप्रतिनिधि थे उनने कहा कि हम इस पर जल्दी पीडब्ल्यूडी के हैंडओवर करा के इस पर जल्दी डामरीकरण होगा, लेकिन इतनी बड़ी घटना यहाँ पर दोबारा हो चुकी है, एक बहुत बड़ा दुखद घटना है हमारे क्षेत्र के लिए और हमारे लिए, हम सभी जनता के लिए भी ये दुख का विषय है कि हम किस प्रकार कैसे क्षेत्र में जी रहे हैं और कैसी हमारी हालत है। लगातार ऐसी घटनाओं के होने के बावजूद भी हम अभी जागरूक नहीं हुए, तो हमारी ऐसी हमारी और भी आगे की घटनाएं होती रहेंगी। और हम यहां पे शासन प्रशासन से कहना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो यहां पे आए और डीएम और कमिश्नर साहब यहां पे हमारे आए और डीएम साहब यहां पे आए, उससे डीएम से पहले हम यहां पे इन डेड बॉडियों को नहीं उठाएंगे और यहां पे चक्का जाम करेंगे। और डीएम साहब से हमारा अनुरोध है और शासन प्रशासन से अनुरोध है कि समय पे यहां पे पहुंचे, और यहाँ पे ना इनकी रेस्क्यू टीमें हैं ना कुछ है, यहाँ की क्षेत्रीय जनता ने स्वयं यहाँ पे जाके रेस्क्यू बड़ा रिस्क उठा के यहाँ पे रेस्क्यू किया है, और कुछ जाने और बच सकती थी। यहाँ पे रेस्क्यू टीमें नहीं होने के कारण लोगों की वहीं पे आधे रास्ते में ही दम तोड़ दिया लोगों ने। इस प्रकार हम इस यहाँ की क्षेत्रीय जनता बहुत ही आक्रोशित है, इसलिए यहाँ की क्षेत्रीय जनता की मांग है कि जल्दी से जल्दी इस रोड का डामरीकरण भी हो और जो यहाँ पे जो कैजुअल्टियाँ हुई उनको मुआवजा मिले, और यहाँ पे जो शासन प्रशासन यहाँ पे पहुँचे, और साथ ही यहाँ पर जो क्या कहते हैं हमारी रेस्क्यू टीमें हों यहाँ पे पतलोट में या खंशो में, यहाँ पे हमारी रेस्क्यू टीमें हों, एनडीआरएफ या एसडीआरएफ यहाँ पे नियुक्त हो, एसडीआरएफ की यहाँ पे रेस्क्यू टीम हो। ऐसी घटनाएं यहाँ पे लगातार होती हैं, पहाड़ की परिस्थिति है, घटनाएं होती रहती हैं, और हमें जब तक अगर हमें यहाँ नहीं मिलेंगे, यहाँ पे अगर तुरंत हमें प्राथमिक उपचार और तुरंत रेस्क्यू नहीं करेंगे तो लोग यहाँ पे तुरंत मर जाएंगे उनकी, और यहाँ जो अस्पताल की सुविधाएं हैं हमें तुरंत यहाँ से ना पतलोट में कोई सुविधा है ना ओखलकांडा में सुविधा, हमें सीधे हल्द्वानी जाना पड़ता है। हम कैसे क्षेत्र में जी रहे हैं, हमने लगातार डालकन्या हॉस्टल के लिए जो प्राथमिक चिकित्सालय है उसमें उसके लिए हमने कई चीज़ों वहाँ पर मांगें उठाई, उसके सुधारीकरण की उसके हमने, लेकिन यहाँ पर जो हम देख रहे हैं स्वास्थ्य की, सड़क की और शिक्षा की और सड़क की बड़ी दुर्दशाएं हैं, तो हमें इसके लिए हमें सबको एकजुट होना है और यहाँ की जो जनता है सबको हम ये आह्वान करना चाहते हैं कि आप जनप्रतिनिधियों को और सब पे दबाव, प्रशासन पे दबाव बना के यहाँ की सुविधाओं को सुधारें। धन्यवाद। बताइए, जो यहाँ की सड़क की दुर्दशा हो रही है इसके पीछे आप क्या समझते हैं? देखिए, हमारे पास कहने के लिए कुछ है नहीं, हमने बहुत बार इसके बारे में मांग कर दी है, कई बार हमने शासन को बता दिया, प्रशासन को बता दिया, कोई गैर करने वाला है नहीं। अब देखिए, रोड देखिए, यहाँ पर पानी भरा हुआ है, इसमें गाड़ी चलने लायक है ही नहीं, अगर 2 पहिया वाहन आता है तो यहाँ पर खतरा ही है, हमेशा ऐसा खतरा बना रहता है। अब हमें कोई आश्वासन देने वाला तो है नहीं, हमने इस रोड का नाम खूनी रोड रख के अपने दिल को शांति देनी है,
यही हमारे काम है। अब देखिए, हमारे देश में ऐसे आईपीएस ऑफिसर हैं जो कैमरा के सामने बोलते हैं, वैसे कभी नहीं बोलते हैं। और हमारे देश में विधायक ऐसे हैं, सांसद ऐसे हैं जो केवल कुछ चमचों को पकड़ के सेल्फी खींचते हैं और कह देते हैं कि हमारा काम ये हो गया, बहुत उतना काम है। और इस सड़क में, जिस सड़क की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर कम से कम एक साल के अंदर 20 लोगों की मौत हो चुकी है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? हम तो लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, कभी हल्द्वानी जाके बुद्ध पार्क में आवाज़ उठा रहे हैं, कभी गाँव में आवाज़ उठा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। बस लोगों को, नेताओं के साथ सेल्फी चाहिए और नेताओं को चमचागिरी करने वाले, कोई पॉलिश लगाने वाले लोग चाहिए, बस हो गया। विरोध नहीं करना है, विरोध करोगे तो तुम्हारे धमकियां मिलनी शुरू हो जाती हैं। निश्चित तौर पर ऐसा हुआ है, तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को, अब हम कहने वाले कुछ नहीं, हमने तो आज जो हादसा है उसके बारे में हमने ये कहा है कि भैया ये तो खूनी रोड है। अब हम किसी को कोई कहने वाले कुछ नहीं है, क्योंकि सुनने वाला कोई है नहीं, हमने बहुत बार बोल दिया है, तो हमारे क्षेत्र के लिए बड़ी बुरी बात है। पिछड़ा लोग, देखिए जागरूकता भी की कमी है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जागरूकता कमी है, क्योंकि लोग देखिए, नेतागिरी जहाँ हो जाती है ना, तो वहाँ बड़ा मुश्किल हो जाता है, विकास होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब हम देश के स्तर पर देखते हैं तो कहीं पर लोग धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, कहीं पर कुछ जो मूलभूत चीज़ें हैं उन पर तो बात ही नहीं हो रही। अब देखिए ये सड़क की क्या कंडीशन है, बहुत बुरी हालत है। अब क्या कह सकते हैं इसके बारे में? आपके माध्यम से हम यही कहेंगे कि शासन प्रशासन तक इस चीज़ को पहुँचाइए, और जो जिन परिवारों में इतनी बड़ी घटनाएँ हो रही हैं, उन लोगों के ऊपर क्या बीत रही होगी, बहुत दुखद है। जो यहाँ की आप सड़क देख रहे हैं, इसके पीछे क्या मंशा है जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं? हमारा मेन मुद्दा ये है कि इतनी, मतलब दिन ते दिन कांड होते जा रहे हैं इस रोड में। मैं भी बहुत ही दूर, 26 किलोमीटर दूर पद्मपुर मिडार से आया हूँ अभी इसी को देखने के लिए। तो ऐसी स्थिति है कि मतलब हमें पता नहीं चल रहा है हम गाड़ी कहाँ से डाल रहे हैं, नीचे डालेंगे ऊपर जा रही, ऊपर डालेंगे नीचे डालेंगे, इतने गड्ढे हो रहे हैं। कोई जनप्रतिनिधि यहाँ सुनने वाला नहीं है, ना विधायक, ना सांसद, ना कोई सरकार, ना कोई मतलब कर्मचारी। मतलब हमारा इतना पिछड़ा क्षेत्र होने के बावजूद भी आज हमें मतलब इतनी बढ़िया, मतलब वो होकर के इतनी आबादी वाला क्षेत्र है, आज हमें रोड के लिए मतलब हमें वो नहीं हो पा रहा है अभी तक, जिसमें कि अगर हम समस्त क्षेत्रवासी, अगर आए दिन इतनी दुर्घटनाएं हो रही हैं, मैं समस्त क्षेत्रवासियों से एक निवेदन करता हूं, अगर हमारे यहां की रोड अगर सही नहीं होती है तो धरना प्रदर्शन के लिए सभी लोग तैयार रहें, जिसमें हम लोग भी अपनी भागीदारी जरूर निभाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।